राजस्थान में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर बरप रहा है और सूरज की तपिश ने लोगों को बेहाल कर रखा है। चिलचिलाती गर्मी के दौर के बीच सड़कों पर अघोषित कर्फ्यू लगा है और इमरजेंसी में घर से निकले लोग छाया ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। बुधवार को प्रदेश के अधिकतर जिलों में तापमान में 45 डिग्री का स्तर पार कर लिया, जहां पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित देश के कई अन्य राज्यों में भी भीषण गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। गर्मी को देखते हुए राजस्थान में कई जिलों में स्कूलों में समय बदल गया है और सड़कों पर पानी का छिड़काव कराया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दो दिनों के लिए हीटवेव जारी रहने का अलर्ट जारी है। इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और हीटवेव से राहत मिलने की संभावना है। देश के सबसे अधिक तापमान वाले शहरों में राजस्थान के अधिकतर जिले शामिल है और राजधानी जयपुर में भी तेज गर्मी ने हालत बदतर कर दिए है। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, जहां पे नॉर्थ पाक से पहले राजस्थान तपता हुआ नजर आ रहा है। गर्मी के चलते लोगों को कड़े परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 45 डिग्री के पार तापमान पहुंच चुका है। देश के अधिकतर राज्यों में गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। हालांकि 10 मई के बाद कुछ बदलाव होने की संभावना बताई जा रही है। गर्मी का सितम लगातार यूं ही जारी है। राजस्थान के कई जिलों में कड़ाके की गर्मी पड़ रही है। सूरज की तपिश ने लोगों को परेशान कर दिया है और आवागमन की भी समस्या उत्पन्न हो रही है, क्योंकि लोग अपने घरों में ही ज्यादातर दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पर गर्मी ने प्रकोप उत्पन्न किया है, जहां पर तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। इसको देखते हुए स्कूल्स का समय चेंज कर दिया गया है। गर्मी का सितम लगातार जारी, जहां लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हनुमंत सिंह चारण सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हनुमंत, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि गर्मी बढ़ गई है, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में मौसम विभाग की अगर माने तो क्या कुछ अलर्ट आगे के लिए जारी किया गया है? जी बिल्कुल, स्फूर्ति बताना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर गर्मी का जो हिट प्रकोप है वो लगातार जारी है। कल बात की जाए तो राजस्थान के अंदर भयंकर गर्मी जो देखने को मिली थी, खासतौर से भारत का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है राजस्थान के बाड़मेर में दर्ज किया गया था 45.2, यानी भारत का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कल राजस्थान में जो है बाड़मेर जिले में देखने को मिला। इसके अलावा बाड़मेर के अलावा कई राजस्थान के जो जिले थे जिसमें तापमान करीब 44 डिग्री, 45 डिग्री के आसपास जो है था, कहीं शहरों में 43 डिग्री था। जयपुर की बात की जाए तो कल 44.1 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया था। वहीं आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन भी हीटवेव लगातार जारी है। लोगों को गर्मी के चलते परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें सूनी नजर आ रही है और लोग जो है घरों में कैद है। साथ ही गर्मी से बचाव के लिए लोग जो है या तो फिर कोई जूस या आइसक्रीम ऐसी कोल्ड जैसी जो चीज़ें हैं उससे लेके जो है गर्मी के कहीं बचाव का प्रयास कर रहे हैं। वहीं मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया उसके मुताबिक आगे 48 घंटों में, आज भी मौसम विभाग ने जो है अलर्ट जारी किया, उसमें कहा गया है कि ये टेम्परेचर जो है लगातार 2-3 दिन तक बना रहेगा। इसके 10 और 11 मई के बाद जो है एक पश्चिमी विक्षोभ के चलते जो है कुछ हल्की बारिश जो है कई जिलों में हो सकती है, उसके बाद तापमान से जरूर राहत मिलेगी। लेकिन फिलहाल 2 और 3 दिन जो है आने वाले दिनों में राजस्थान के अंदर ये गर्मी का प्रकोप लगातार जारी रहेगा। आज दूसरे दिन भी गर्मी का असर राजधानी जयपुर में भी देखने को मिल रहा है। लोगों को जो है घरों में जो है कैद हो चुके हैं। दिन में, दोपहर में सड़कें सूनी नजर आ रही है। जी स्फूर्ति,
अनुमंत, अगर जयपुर की बात करें तो वहां पर कैसी तस्वीर सामने आ रही है दोपहर के समय, जब कड़ाके की गर्मी पड़ रही है और ऐसे में जहां नौतपा आने से पहले ही इतनी ज्यादा गर्मी है, तो क्या कुछ तस्वीर जयपुर से नजर आ रही है? जी बिल्कुल, अभी हम जयपुर के एक जेलन मार्ग पर खड़े हैं। ये तस्वीर है जेलन मार्ग की, आप देखोगे, कैमरामैन को कहना चाहूँगा, गर्मी का प्रकोप है और देख सकते हैं ये जेलन व्यस्ततम मार्ग माना जाता है जयपुर का, लेकिन फिलहाल ट्रैफिक है यहाँ पर रोजाना के मुकाबले कम है। हालांकि अभी समय दोपहर के समय ये ट्रैफिक और भी जो है कम था, तो ये कहा जा सकता है कि गर्मी के चलते यहाँ पर जो है यातायात पर भी असर है। दोपहर में लोग घरों में जो सड़कों पर निकलने से बचने का प्रयास कर रहे हैं, सुबह या जल्दी या फिर शाम के समय निकलने का प्रयास करते हैं। अभी हम एक पार्लर का नज़ारा दिखाना चाहेंगे, स्फूर्ति, हम सरस पार्लर के आसपास खड़े हैं। वहाँ पर लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर छाछ, लस्सी और आइसक्रीम, ऐसे जो ठंडे पदार्थ पेय पदार्थ है वो ही उनका सेवन कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी से बचने के लिए एक सबसे बड़ा उपाय यही होता है कि कोई ठंडी चीज़ यहाँ पर, लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर छाछ पी रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं। यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, हमारे साथ उनसे बात करेंगे। भैया बताएं, गर्मी पड़ रही है जयपुर में, क्या खा रहे हैं आप लोग? सॉफ्टी खा रहे हैं भैया, गर्मी तो ऐसी हो रखी है, दिन में निकलने की इच्छा भी नहीं करती, पर ये कुछ ठंडा खाने के लिए निकलना पड़ता है, क्या करें। जयपुर में आज और कल गर्मी कैसी रही? कल तो भैया, आज तो फिर भी थोड़ा सा मौसम है शांत, पर कल तो ऐसी थी, लू ऐसे चल रही थी, अगर आप, मैं स्कूटी चला रहा था तो कान पे ऐसे लग रही थी जैसे कि एकदम पूरा रात को इतना भयंकर सर हेडेक हो रहा है, दो तबीयत खराब हो रही है, दिन में उल्टी हो रही है, तो ये वाली चीज़ें हो रही है। काफ़ी ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा है, सरकार ने कुछ किया भी नहीं, वो बस वो दिखाने के लिए रोड पे वो तो डाल दिए कि वो पानी डाल रहे, वो डाल रहे, पर वो सिर्फ सिटी में ही डाल रहे, जहाँ पे मेन जरूरत है यहाँ पे और मानसरोवर वगैरह वहाँ कुछ भी नहीं। सरकार गर्मी से बचने के लिए पानी का छिड़काव कर रही है, लेकिन लोग कह रहे हैं अभी संतुष्ट नहीं है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। हम लोग यहाँ पर आइसक्रीम खा रहे हैं और गर्मी देख सकते हैं, ये सरस पार्लर है जहाँ पर भीड़ लगी हुई है, लोग यहाँ पर गर्मी का आनंद ले रहे हैं, कुछ बच्चे भी है हमारे साथ में। इधर आइए, क्या खा रहे हैं? गर्मी पड़ रही है ज्यादा, आइसक्रीम, आइसक्रीम खा रहे हैं। गर्मी कितनी है आज? गर्मी बहुत तेज, बहुत तेज है। गर्मी कितनी पड़ रही है? बहुत भयंकर, बहुत भयंकर। क्या खा रहे हैं आप लोग? आइसक्रीम। गर्मी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? गर्मी से बचने के लिए कुछ भी नहीं, आइसक्रीम खा रहे हैं सभी। तो देख सकते हैं आइसक्रीम खा के लोग यहाँ पर, कुछ लोग है जो यहाँ पर देख सकते हैं, ये सरस पार्लर है जहाँ पर लोगों की लाइन लगी है, कोई लोग लस्सी लेने के लिए आए, कोई आइसक्रीम खा रहा है, कोई जूस पी रहा है, तो इस तरीके से लोग गर्मी से बचने के लिए जो है यहाँ पर ठंडे जो पेय पदार्थ है उनका सेवन करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। बताएं, हम पूछेंगे, भैया गर्मी कितनी है जयपुर में? बहुत ज़्यादा है गर्मी, इस बार गर्मी जल्दी आई है? जल्दी तो आई है। क्या उम्मीद करें भाई साहब, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है जयपुर में? नहीं, मैं तो आगरा का रहने वाला हूँ, ये गर्मी है, गर्मी है। देख सकते हैं जो भी लोग यहाँ पर खड़े हैं उनका कहना है कि गर्मी इस बार जयपुर में ज़्यादा पड़ रही है और गर्मी की वजह से लोग जो है परेशानी का सामना कभी देखने को मिला। अभी मौसम विभाग के मुताबिक आगे आने वाले 2-3 दिनों तक ये टेम्परेचर इसी तरीके से बरकरार रहेगा। शाम को जब आंकड़े जारी होंगे, आज के टेम्परेचर के अभी आंकड़े मौसम विभाग की तरफ से आने हैं, लेकिन कल के आंकड़े बात की जाए तो बाड़मेर में 45.2, वहीं जयपुर में 44.1 टेम्परेचर जो था वो आज भी कहीं कहीं जो है टेम्परेचर उसके आसपास रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई थी। मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल दोनों ही दिन जो है इस तरीके का टेम्परेचर रहेगा। इसके 10 और 11 मई को हो सकता है कि ये टेम्परेचर डाउन हो, एक हल्की सी जो है पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, उसके चलते कई इलाकों में बारिश भी हो सकती है। जी स्फूर्ति। जी अनुमंत, गर्मी के प्रकोप को देखते हुए लोग ठंडे पेय पदार्थ खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हीट वेव चल रही है राजस्थान में और जयपुर शहर की हमने ये तस्वीरें देखी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। हीट वेव के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान में कई जिलों में कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, तपते सूरज के बीच लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, जिसको देखते हुए कई स्कूल्स का समय भी बदल गया है, जहां पर बच्चों को राहत देने के लिए स्कूल के समय में बदलाव किया गया है। तपती धूप में लोगों को आवाजाही करने में काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि जिस प्रकार से सूरज की तपिश देखने को मिल रही है और लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही है हीट वेव के चलते। नौतपा से पहले ही
गर्मी का सितम लगातार जारी है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने हीटवेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तपते सूरज के बीच लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी का सितम लगातार जारी है, जहां पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग ठंडे पेय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं तो सड़कें सूनी पड़ी हुई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राधेश्याम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राधेश्याम, जिस तरीके से राजस्थान के कई जिलों में हीट वेव का प्रकोप देखा जा रहा है, ऐसे में चूरू में क्या स्थिति बनी हुई है, क्या तस्वीर वहां से सामने आ रही है? चूरू में प्रचंड गर्मी का प्रकोप चल रहा है पिछले 3 दिन से लगातार। 45 डिग्री से ऊपर ही तापमान चल रहा है और इस वक्त मैं आपको जब जानकारी दे रहा हूं जी, उस वक्त भी जब 4:30 बजने तो है और एकर धूप का प्रकोप अभी जारी है जी। राधेश्याम, तो क्या कुछ लग रहा है आपको कि सरकार द्वारा क्या वहां पर सड़कों पर छिड़काव किया जा रहा है, क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है वहां पर? अभी तक कोई छिड़काव की कोई कार्रवाई नहीं हुई है और आमतौर पर चूरू में जब 49-50 के करीब टेम्परेचर जाता है उसके बाद ही पानी का छिड़काव वगैरह वो भी औपचारिकता के रूप में किया जाता है जी। गर्मी का सितम यूं ही जारी है राजस्थान में और चूरू में भी, तो ऐसा आगामी दिनों के लिए मौसम विभाग की अगर बात करें तो क्या अलर्ट जारी किया गया है? मौसम विभाग ने तो ये तपने का ही अलर्ट जारी किया है कि सावधानी रखे। जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यारी ने भी एडवाइजरी जारी की है कि लू से बचाव करें, दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच बाहर न निकलें जब तक जरूरी नहीं हो जी। राधेश्याम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से तपती धूप के बीच लोग सड़कों पर आवाजाही तो कर रहे हैं लेकिन धूप से परेशान है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है, समय सीमा के अनुसार ही लोग बाहर निकले। कई शहरों में तापमान में वृद्धि देखी जा रही है, 45 डिग्री के पार तापमान पहुंच चुका है। देश के अधिकतम राज्यों में गर्मी का सितम जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कोटा से अभिमन्यु जुड़ चुके हैं। अभिमन्यु, क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही कोटा से? गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है राजस्थान में, कोटा में क्या स्थिति बनी हुई है? हाँ जी स्फूर्ति, मैं बता दूं आपको कि कोटा में भी भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों का जो समय है वो बदल दिया गया है जी। कोटा के जो कलेक्टर है रविंद्र गोस्वामी, उन्होंने आज ही आदेश जारी किए हैं और क्लास 1 से लेकर 8 तक की जो क्लास है उनका समय जो है 7:30 से 11 बजे तक कर दिया गया, क्योंकि पारा जो है कोटा शहर का 44 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है और गर्मी का दौर जो है कोटा के साथ साथ अन्य शहरों में भी देखने को मिल रहा है। गर्मी काफी तेज है, इसको लेकर काफी लोगों में भी समस्या देखने को मिल सकती है क्योंकि स्कूल के जो बच्चे होते हैं काफी छोटे होते हैं और निकलते हैं वो, तो उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर कलेक्टर ने भी आदेश निकाले हैं, बाकी रोड भी सुनसान देखने को मिल रहे हैं कोटा में। आदेशों में क्या कुछ और कहा गया है और कितना तापमान अभी इस वक्त दर्ज किया जा सकता है वहां पे? तापमान अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है लेकिन अभी उस पर देखा था गूगल पर तो 44 डिग्री के आसपास टेम्परेचर जो है कोटा का नोट किया गया था। इसके अलावा जो है कोटा के रोड जो है काफी गर्मी को देखते हुए सुनसान हो चुके हैं कई इलाके और बच्चों को भी काफी गर्मी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा महिलाएं और पुरुष जो है साफा लगा के या साफी लगा के और अपने अपने हिसाब से जो है वो निकल रहे हैं।
जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। नौतपा से पहले ही राजस्थान में हीट वेव ने दस्तक दे दी है, जहां पर शहर तपता हुआ नजर आ रहा है। तापमान ने छलांग लगाई है, 45 डिग्री के पार तापमान पहुंच चुका है, जो सामान्य से अधिक है। देश के अधिकतर राज्यों में गर्मी का प्रकोप बरकरार है। हालांकि 10 मई के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की आशंका जताई गई है मौसम विभाग के द्वारा, जिससे राहत मिल सकती है, लेकिन फिलहाल गर्मी का प्रकोप जारी है। सूरज की तपिश के बीच लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि गर्मी के चलते कई स्कूल्स का समय भी बदल गया है, जहां बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि समय में बदलाव किया जाए। जहां तपती धूप में बच्चे स्कूल ना जाए, इसको लेकर हिदायतें दी गई है। तो वहीं गर्मी से बचाव के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थ का सेवन करते हुए नजर आ रहे हैं। हीटवेव से बचाव के लिए लोग घर के अंदर ही ज्यादा वक्त बिताना पसंद कर रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले में हीटवेव को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक नवाचार किया है, जिसके तहत आज जिले के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों ने माता पिता के नाम एक पाती लिखी है, जिसमें विद्यार्थियों ने माता पिता से गर्मी से बचाव के लिए कम से कम घर से बाहर निकलने, तरल पदार्थ पीने और अन्य बचाव से संबंधित जानकारियां माता पिता को दी है। जिले भर में आज एक साथ हजारों विद्यार्थियों ने माता पिता के नाम पाती लिखी, जहाँ पर पूर्व चुनाव के समय भी विद्यार्थियों ने मतदान को लेकर माता पिता के नाम पाती लिखी गई। बच्चों के माध्यम से अपने माता पिता, अभिभावकों को या समाज को एक संदेश देने के लिए जिला कलेक्टर महोदय ने सभी विद्यालयों में बच्चों के माध्यम से वोट सॉरी जो वीडियो पाती है वो लिखाया जा रहा है, जिसमें गर्मी से कैसे बचा जा सकता है कि मुख्य रूप से जो सूर्य की डायरेक्ट किरणें आ रही है उससे कैसे बचे। अगर बाहर निकलना है तो कपड़ा सिर पे या मुंह पे रुमाल, ठंडी रुमाल है वो लेकर के चलें। तरल पदार्थ है वो हमेशा अपने साथ रखें और ज़्यादा से ज़्यादा KRS का घोल है, नींबू पानी है, इस प्रकार का सेवन करें। लिक्विड पदार्थ का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करने के लिए ये जो संदेश है वो पूरे आज हनुमानगढ़ जिले में लाखों विद्यार्थी एक साथ 9 बजे ये कार्यक्रम रखा गया है, तो लाखों विद्यार्थी इस हीट वेव से बचने के लिए एक संदेश दे रहे हैं।